हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये एक्वा ग्रीन और ब्लैक कम्बिनेशन का बोल्ड एंड क्लैम आई लुक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन पेंट स्टिक मेरे आई शेडो बेस के लिए। मेरे पास और कोई दूसरा आई शेडो बेस नहीं है, अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक एंगल्ड क्लीन ब्रश ले रही हूँ और ये जो वाइट आई शेडो है इसको अपने आई लीड पर अच्छे से लगा रही हूँ ताकि मैं बाद में जो भी कलर यूज़ करूँ वो अच्छे से निखर के आए और इससे मेरे आई लीड पर कोई क्रीजिंग भी नहीं गिरेगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑरेंज आई शेडो अपने क्रीज लाइन पे एज माय ट्रांजिशन शेड। अब मैंने एक क्लीन ब्रश लिया है और मैं उस ऑरेंज कलर को अच्छे से डिफ्यूज़ कर रही हूँ ताकि कोई हर्श लाइन ना दिखे। अब मैंने एक ब्लैक कलर का आई पेंसिल लिया है और ये मैं अपने आउटर पार्ट में लगा रही हूँ। इसको ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बाद में ब्रश यूज़ करेंगे। मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसके बाद एक ब्लैक कलर का आई शेडो यूज़ करूँगी तो उसके बेस के लिए ये बहुत काम आएगा क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छे से निखर के आएगा। आपके पास अगर कोई ब्लैक कलर का काजल है या कोई भी आई पेंसिल है ब्लैक कलर का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक ब्लैक आई शेडो इसके बाद यूज़ करूँगी। आई एम टैपिंग ऑफ द एक्सेस पाउडर हियर और मैं इस ब्लैक आई शेडो को, पहले मैंने जहाँ पे ब्लैक आई पेंसिल लगाया था वहाँ मैं इस ब्लैक आई शेडो को लगा रही हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी मेकअप लुक क्रिएट कीजिए, आप जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा वो दिखेगा। अब मैं फिर से वो ऑरेंज आई शेडो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया ब्लैक आई शेडो यूज़ करने के बाद मेरा जो ट्रांजिशन शेड था वो थोड़ा फेड हो गया है, इसलिए मैं फिर से उसको थोड़ा और निखारने के लिए फिर से वो ऑरेंज आई शेडो और एक बार यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने फिर से मेरा क्राइलॉन पेंट स्टिक यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे एक हाफ कट क्रीज क्रिएट किया है। मेरे पास कंसीलर नहीं है इसलिए मैंने फिर से उसको एज अ कंसीलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आपके पास कंसीलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वो वाइट आई शेडो फिर से ले रही हूँ और जहाँ पे मैंने हाफ कट क्रीज क्रिएट किया था उसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि कोई क्रीज ना गिरे और बाद में मैं जो कलर यूज़ करने वाली हूँ वो कलर और अच्छे से निखर के आए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने पैलेट से मैं एक्वा एक ग्रीन शेड है उसको मैं ले रही हूँ एक क्लीन ब्रश पे और मैं लगा रही हूँ मेरे मैंने जहाँ पे हाफ कट क्रीज क्रिएट किया था उसके ऊपर और मैं पैटिंग मोशन पे लगा रही हूँ। अगर आप पैटिंग मोशन पे इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कलर निखर के आएगा और मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो के साथ ताकि वो इवन दिखे। तो ये रहा अब तक का मेरा लुक। मैंने ऑफ कैमरा अपना बाकी मेकअप कर लिया है
ताकि हम थोड़ा समय को बचा सकें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो कलर है, एक ब्राउन कलर है और एक रेडिश ब्राउन कलर है। मैं इन दोनों कलर को एक साथ मिक्स कर रही हूँ और मैं अपने लोअर लैशेस पे इसको अच्छे से स्मज कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर ब्रश और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने मेबलिन का नूड पैलेट लिया है और यहाँ पे एक बहुत अच्छा गॉर्जियस गोल्डन कलर है। इस पैलेट पे मैं उसको यूज़ कर रही हूँ मेरे इनर कॉर्नर पे एज माई हाईलाइट शेड। आपके पास अगर कोई भी वाइट आई शेडो है तो आप उसको भी एज योर इनर कॉर्नर हाईलाइट शेड यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग लैक्मे आइकॉनिक काजल। मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे इसको यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो काजल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ मेबलिन का मस्कारा, ये ब्लैक कलर का है। आपके पास जो भी ब्रांड का मस्कारा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कोई फॉल्स आई लैश नहीं है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप इसके बाद फॉल्स आई लैश भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का लिपस्टिक लिया है और मैं उंगलियों से अपने लिप्स पे इसको लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं चाहिए, बहुत लाइट कलर चाहिए, इसलिए मैं बहुत मिनिमल अमाउंट ले रही हूँ क्योंकि मेरे आई लुक ऑलरेडी बहुत डार्क बोल्ड क्लैम लुक है उसका। और मैं फिर से यहाँ पे वो वाइट कलर का आई शेडो ले रही हूँ मेरे जो ब्राउ बोन है उसको हाईलाइट करने के लिए। ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।